कलेक्टर चैम्बर में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिले भर में ब्लैक स्पॉट जो सबसे ज्यादा हादसों के स्थान है, वहां पर सुधार कार्य करने के लिए दिए निर्देश। आप कमल को आप सब लोग करने की जो निर्देश दिए थे जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है, तो उसमें सर उन्होंने सदस्य सचिव जो है वो किसी भी बोर्ड निर्माण को बनाने के लिए कहा गया था। पहले आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं, इनको सुधारने के लिए संबंधित एजेंसी पीडब्ल्यू एनएचआई इत्यादि को जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करने बताया गया है। साथ ही जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं वो जिन एजेंसियों के द्वारा रखरखाव किए जाते हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो ब्लैक स्पॉट तत्काल सीमित समय में ठीक कराएं ताकि वहां एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। सड़क सुरक्षा समिति की आज हमारी बैठक हुई थी। ये हमारी रूटीन बैठक रहती है हमेशा कि हम इसमें ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हैं। अभी हमने कुआं खेड़ी पर माननीय सांसद जी से अनुरोध किया तो उन्होंने 7 लाख रुपये देने की माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया। वहाँ हम एक हाई मास्क लगाएंगे जिस पर सोलर प्लेट लगी होगी। जो रास्ता कुआं खेड़ी से लेकर के और बासोदा तरफ होता है वहाँ एक्सीडेंट हमेशा होते हैं और ब्लैक स्पॉट भी हमने चिन्हित किए हैं। वहाँ हम रेडियम लगवा रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे हैं ताकि वहाँ एक्सीडेंट ना हो। सर इसमें कोई नई जिम्मेदारियाँ भी आपने दी गई? देखिए नई जिम्मेदारी कुछ नहीं, इसमें सदस्य सचिव का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो निर्माण विभाग है जिनकी सबसे ज़्यादा सड़कें हैं उनको सदस्य सचिव बनाया जाए। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर पिरोडी की सबसे ज़्यादा सड़कें हैं तो कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को इस सड़क सुरक्षा समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।